चैनल। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ों का प्लेटर, मतलब एक नहीं पकौड़ा बनाएंगे, कई तरह के पकौड़े बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब पकौड़े बनाने हैं तो हम बनाएंगे एक ही बैटर से, और बैटर इतना बढ़िया बनाएंगे जिससे कि हम सब तरह के पकौड़े बना सकें, आलू के, प्याज के, टमाटर के, गोभी के, पनीर के, जिसके भी बनाना चाहे वो एक ही बैटर से बनके तैयार हो जाए। तो एक बाउल हम ले लेते हैं बेसन, एक बड़ा बाउल ले रही हूँ क्योंकि आज अच्छे से पकौड़े बनाने हैं, और इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले और थोड़ी सी चीजें। इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया काट के, एक आध हरी मिर्ची काट लेते हैं, ये भी बारीक ही काटेंगे। इसमें ना हम डालेंगे सूजी, ना सोडा, कुछ भी नहीं डालेंगे, पर बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे वाले पकौड़े बनाएंगे। सबसे मेन बात होती है बैटर बनाना। बैटर अगर अच्छा बन गया, बढ़िया बन गया, तो आपके पकौड़े हमेशा ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छोटी छोटी टिप्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है जो कि हमें बड़े बताते हैं। अब इसमें डालने हमें थोड़े से सूखे मसाले, मिर्ची एक चम्मच, छोटी चम्मच डाल रही हूँ, हल्की सी हल्दी यानी 1/4 से भी थोड़ी सी कम, टेस्ट के अनुसार नमक एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच करीब अपन इसमें डाल देंगे हींग। हींग से ना पकौड़े अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और गैस भी नहीं होती, कई को पकौड़े वकौड़े खाने के बाद गैस हो जाती है ना, तो हींग उससे भी हमें बचाती है। और आधा चम्मच ले लिया अजवाइन, इसको भी क्रश करके इसमें डाल देंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छे से इनको सबको मिक्स करिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे, और जो घोल होगा ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डाल के हम इसको घोलेंगे। देखिए इस तरह से इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी, मतलब एक से आधा चम्मच पानी डाल के इसे हम ढक के रख देंगे जब तक कि हम अपनी सब्जियां काट लेते हैं, इसका रेस्ट भी हो जाएगा और ये सेट भी हो जाएगा। आइए जी, ये हमारा पूरा प्लेटर तैयार है सब्जियों का। इन सब्जियों से आज हम बनाने वाले हैं पकौड़े। सबसे पहले आलू, ये सब छील के, काट के, मतलब धो धोवा के रख दी हैं। अब देखिए आलू हम जो काटेंगे ना, आलू अगर आप यूं काटेंगे तो आपके लंबे लंबे पकौड़े बनेंगे, अगर यूं काटेंगे तो थोड़े छोटे बनेंगे। इस तरह से लंबे लंबे चाहें तो इस तरह से काट लीजिए, पर ये काटे तब ध्यान रखिए ना ज़्यादा मोटा हमें काटना है और ना ही ज़्यादा हमें पतला, तो अच्छे हाथ से, मतलब अच्छी तरह से इस तरह से काट लीजिए, और आलू को काट के पानी में डाल दीजिए वरना ये काले हो जाएंगे। इसको पानी में डाल देंगे। अब प्याज, प्याज को हम गोल गोल काट लेंगे, ये भी ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक ठीक। भजियां नहीं बना रहे हैं हम पकौड़े बना रहे हैं, इसलिए हमें गोल गोल प्याज चाहिए, रिंग्स वाले। थोड़े से टमाटर भी गोल गोल काट लेते हैं, टमाटर के भी पकौड़े अच्छे लगते हैं, वैसे तो सूरत में अच्छे मिलते हैं पर अपन घर में भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा मोटा आप गोल गोल टमाटर काट लीजिए इस तरह से, ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाने हैं, मैं किस तरह से बनाती हूँ ये भी बोल सकते हैं। गोभी है, गोभी को तो बस फ्लोरेट्स तोड़ लीजिए इसके। सबका फेवरेट पनीर, पनीर को हम कर लेते हैं कट, जैसा बनाना चाहे, लंबा बनाना चाहे लंबे लंबे काट लीजिए, अगर फ्लैट बनाना चाहे पकौड़े उसके तो उस तरह से काट लीजिए। मैं इसको लंबा ही बना रही हूँ तो लंबे लंबे मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। इसको ना फैला के रख लीजिएगा इस तरह से, और हरी मिर्च है उसको आप बीच में से कट कर लीजिए, चाहे तो बीज निकाल भी सकते हैं, इसको भर के भी बना सकते हैं और
नहीं भर के बनाना है तो एक ट्रिक है जिससे कि आपको कोई भी ये मिर्ची खा सकेगा, मतलब उसको मिर्ची नहीं लगेगी। बीज निकालना चाहे तो बीज निकाल के भी बना सकते हैं इसे। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने ये सब वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, पनीर, टमाटर, मिर्ची, प्याज, आलू वगैरह, इसके ऊपर ना थोड़े से मसाले डाल दीजिए। थोड़े से मसाले अगर हम यहीं से डाल देंगे ना, तो जो जब भी हम पकौड़े बनाएंगे तो वो अंदर से फीके फीके नहीं लगेंगे। वैसे तो पनीर को हम अगर घर में बना रहे हैं पनीर, तो नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च, ये सब काट के इसमें डाल दीजिए पनीर बनाते समय, तो आपको ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने थोड़ा सा डाला है अमचूर, हल्का सा इसके ऊपर रुक दीजिए लाल मिर्च का पाउडर, जैसे मैरिनेट करके रखते हैं ना अपन, सेम उसी तरह से ये थोड़े से मसाले डाल के हम इसको मैरिनेट करके रख दीजिए, और थोड़ा सा ये नमक हल्का सा, और ऐसे ही मैं ये आलू प्याज वगैरह पे भी डाल देती हूँ। ये तो इनके ऊपर भुरक के रख दीजिए, और जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची के अंदर भर दीजिए आप थोड़ा सा नमक, मतलब ये नमक लिया हमने और इस तरह से मिर्ची में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं। फिर जब हम ये मिर्ची के पकौड़े बनाएंगे ना, तो ये अंदर से तीखे नहीं लगेंगे। हल्का सा नमक भुरक के इसको रख दीजिए, चाहे तो आप इसमें भी अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, ये भी भर सकते हैं। टमाटर का ट्रीटमेंट अलग है, वो मैं भी आपको बाद में बताती हूँ। थोड़ा सा इनको मसालों को लगा लेते हैं इन पे सब्जियों पे, जिससे कि सब्जियाँ भी मसाले के साथ मैरिनेट हो जाए। अच्छे से कोट कर लीजिए। और जो ये टमाटर है ना, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। ये टमाटर के जो पकौड़े मैं बनाती हूँ, इसके ऊपर लगाती हूँ मैं थोड़ी सी हरी चटनी, जो घर में जो हरी चटनी हम बना के रखते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप इस तरह से ही बनाएंगे ना खाली टमाटर, तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आपके पास कैरी हो, हमारे राजस्थान में तो ककड़ी के पकौड़े ही बनते हैं, जो हरी ककड़ी आती है अपन लोग खाते हैं ना, उसके भी आप पकौड़े बना सकते हैं। वो भी सेम से काट लीजिए, उसे मसाले लगा लीजिए और बेसन के घोल में उसको डुबो के फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने ये चटनी बनाई है, ज़्यादा पतली नहीं है चटनी हरी, वो हम इस पर लगाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको चाहे तो दोनों साइड से भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक साइड लगा लीजिए। ये हमारा बैटर तैयार है, ये देखिए बढ़िया सा, जो हमें जैसा हमें चाहिए वैसा बनके तैयार है। ये ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जो हम सब्जियां डालें उस पर चिपके, उससे फैले ना, तो ये उस तरह की कंसिस्टेंसी का ये बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम डालने जा रहे हैं एक नींबू। नींबू का रस अगर डाल देंगे ना, तो उससे भी बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं हमारे पकौड़े। तीन चीजें हम डाल चुके हैं, बताइए कमेंट करके क्या क्या डाली है। दो तो इस ट्रिक में और एक पहले वाले में, जब हमने ब्रेड के पकौड़े बनाए थे तब भी एक ट्रिक दी थी मैंने आपको। एक करीब नींबू इसके अंदर निचोड़ के डाल दीजिए, और इसी बैटर से अब आप सब तरह के पकौड़े बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए बढ़िया से, पेटने से भी बेसन में हवा भरेगी और हमारे जो पकौड़े हैं वो फूले फूले बनेंगे बढ़िया से, क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे। पकौड़े तलने के लिए हमारा बैटर भी तैयार है और हमारा ऑयल भी तैयार है। पहले तेज गरम कर लीजिए, फिर उसको मीडियम टू लो कर लीजिए, और जो हमारे पकौड़े जिसके बनाने, जैसे आलू लिया, उसको डिप किया और साइड से छोड़िए, तरह से देखिए एक्स्ट्रा हटा दीजिए, और ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से कोट हो रहा है आलू के ऊपर। अब जैसे प्याज का बनाना है, प्याज लिया हमने, कोट किया अच्छे से और एक्स्ट्रा इसका हटा दिया बेसन, और ये देखिए अच्छे से कोट होते हुए और फूलते हुए देखेंगे आपको हमारे पकौड़े, हमारे यानी हमारी सब्जियों के, यानी आलू और प्याज के। ये देखिए कितने बढ़िया से मोटे मोटे हो गए, और अभी देखिए क्रिस्पी भी कितने होंगे।
आवाज आ रही है? बढ़िया से खस्ता खस्ता, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट वाले पकौड़े। इसी तरह से सारे पकौड़े तलेंगे। पनीर ले लेते हैं। अब पनीर को डिप किया और ये देखिए, अगर हम बैटर अच्छा बनाएंगे ना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो आराम से इसके ऊपर चिपकेगा बैटर, और ज़्यादा वो जो छोटी छोटी बन जाती है ना पकौड़ियाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी, वो भी कम बनेगी। और इसी तरह से टमाटर ले लीजिए, टमाटर को डिप करिए, और ये देखिए ये गया टमाटर। ये गोभी जब एक साइड से अच्छे से ऊपर आ जाए तो इसको टर्न करके हमें पकाना है। तो बढ़िया से हमारे टमाटर के और पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े भी तैयार। ये हमारे टमाटर के और गोभी के भी तैयार। और अब हम बनाते हैं हमारा मिर्ची का पकौड़ा। इसको भी डिप करिए बेसन के घोल में, मिक्सचर में, और डाल दीजिए फ्राई करने के लिए। क्रिस्पी करारा हमारा मिर्ची का पकौड़ा भी तैयार। अब देखिए लास्ट में पालक की पकौड़ियाँ, किस किस को पसंद है? बेबी पालक जो आता है ना, छोटा वाला पालक, ये मैंने अपने घर से तोड़ा है। और इसकी भी पकौड़ी बना के दिखाती हूँ इसी बैटर से, और वो भी इतनी क्रिस्पी जो कि आपको मार्केट में मिलती है उसी तरह से। पालक बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल बारीक बारीक रफली चॉप कर लिया है, और इसमें डालेंगे हम इतनी सी अदरक, इसको भी बारीक चॉप कर लीजिए देखिए, और इसमें इसको घोल लीजिए, और ज़्यादा ढीला लगे थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, मिक्स करके अच्छे से। और ये देखिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के दीजिए इसमें, बहुत ही क्रिस्पी करारी जैसे मार्केट में मिलती है ना, हम कचौड़ियाँ लेके आते हैं उसके साथ पकौड़ी भी लेके आते हैं, वैसी मार्केट वाली पकौड़ी घर में बनके तैयार हो जाएगी। तेल का ध्यान रखना है कि तेल पहले गर्म होना चाहिए, बाद में उसको मीडियम टू लो पे बनाइए, नहीं तो आपकी ऊपर से तो दिखेगा कि पक गई भाई चीज़, और अंदर से रह जाएंगी कच्ची। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पालक के पकौड़े भी बनके तैयार है जी। आवाज आ रही है क्योंकि इसकी आवाज ही मैटर करती है। बढ़िया सी हमारी पकौड़ियाँ ही बनके तैयार है। हमारी प्लेट में सारी पकौड़ियाँ आ गई हैं, पूरा प्लेटर लग के तैयार है। अब इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।